नीलूस किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार, टेस्टी और बहुत ही कम सामग्री से बनने वाला एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसे बनाने के लिए आपको माइक्रोवेव की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही मजेदार बनता है, आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस मजेदार रेसिपी को। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक भगोने को या एक बड़े पतीले को गर्म करना है, मतलब जितना आपका केक टिन है वो इजीली इसमें आ जाए, इतना बड़ा आपको भगोना लेना है। इसके अंदर कोई स्टैंड या कोई प्लेट डालकर आप इसे गर्म करने, प्रीहीट करने रख दें। जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम इसका बैटर बनाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया है गुड डे बिस्किट, आप कोई भी मीठे बिस्किट ले सकते हैं, ये कैशियो वाले हैं। इसका टेस्ट केक में बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो ये हमने एक पैकेट ले लिया है, लगभग 200 ग्राम के करीब है, और इसे हम एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे ताकि ये इजीली इक्वली अच्छे से ग्राइंड हो जाए। ये देखिए हमने सारे बिस्किट डाल दिए हैं और इसका हमने पाउडर बना लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे हमने सबसे पहले हम यहाँ पे आधा कप दूध डालेंगे इसके अंदर। देखिए इसमें आप ध्यान से दूध डालें, लेकिन मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता दूंगी तो आप उसी तरीके से इसमें दूध डालिए। तो सबसे पहले हमने आधा कप दूध लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए बिस्किट दूध को सोक कर लेता है, तो यहाँ पे हमें आधा आधा करके दो बार दूध डालना है, मतलब यहाँ पे हमें एक कप दूध लगा है इस बैटर को बनाने के लिए, और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स अच्छे से करना है, इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स ना रहे, और इसका एक स्मूथ बैटर हमें बना लेना है। ये देखिए मैं आपके सामने इसे विस्क करके दिखा रही हूँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी केक बन जाता है। इसमें हमें ना ही मैदे की जरूरत है, ना ही बटर की जरूरत है, और ना ही बेकिंग सोडे की जरूरत है। इसी तरीके से ये फटाफट बनकर तैयार हो जाता है और टेस्ट में बहुत ही मजेदार लगता है। अब डालेंगे इसमें हम सिर्फ एक टेबल स्पून ऑयल, ज्यादा तेल या बटर नहीं डालेंगे क्योंकि बिस्किट में पहले ही इसमें बटर रहता है। अब डालेंगे हम चॉकलेट एसेंस, या आपके फ्लेवर का कोई भी एसेंस ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इसे आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं केक बना रही थी तो मुझे एक आइडिया आया कि जैसे हम नट्स वाला केक बना रहे हैं अभी, तो इसमें क्यों ना हम नारियल का बुरादा भी डाल दें। इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा डाला है, इसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहा जाता है। इसे डालकर मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। यकीन मानिए ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, इसमें नारियल का जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आ रहा था। तो इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जैसे ये मिक्स हो जाएगा हमें यहाँ पे इनो डालना है। तो यहाँ पे आज हम बेकिंग का और सोडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डालेंगे एक सेशे इनो, ये नॉर्मल मतलब ज्यादा कोई फ्लेवर वाला इनो नहीं लेना है आपको, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध ताकि जो इनो है वो अच्छे से एक्टिवेट हो जाए और हमारे बैटर में इजीली ये मिक्स हो जाए। अब हमें इसे फटाफट मिक्स करना है। ध्यान रखिए कि इस प्रोसेस के बाद आपको सारी चीजें फटाफट करनी है और इसे बेक करने के लिए डाल देना है। तो देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे एक केक टिन में डाल देंगे। तो केक टिन को हमने पहले से ग्रीस करके रख लिया है, इसमें हम ये बैटर डाल देंगे और इसके ऊपर हम सारे नट्स भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नट्स में डाला है पिस्ता, अखरोट, टूटी फ्रूटी, ये सारी चीजें जो आपके बच्चों को पसंद हो आप डाल सकते हैं, और इस नट्स और टूटी फ्रूटी की वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हमने जो नारियल का बुरादा डाला है वो इस पर और अच्छा टेस्ट देता है, बहुत ही उम्दा टेस्ट देता है। देखिए हमने इसमें किशमिश भी डाली है और साथ ही टूटी फ्रूटी भी डाल देंगे, और फटाफट हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे।
देखिए ये बैटर बनते तक हमारा जो भगोना है, जो पतीला है, वो प्रीहीट हो जाएगा और इसे हम ध्यान से डालेंगे। पतीला बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है तो ध्यान से आप डालें कि आपके हाथ जले नहीं, और इसे ढक कर हम लगभग 35 से 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। एक बात का ध्यान रखें, ढक्कन को बार बार खोलकर ना देखें वरना इसकी जो हीट है वो कम हो जाएगी। तो आपको 35 मिनट के बाद इसे चेक करना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा बैटर स्टिक में या स्क्यूअर्स में लग रहा है तो इसे 10 मिनट के लिए और बेक करने के लिए रख दें। लेकिन देखिए हमारी जो टूथपिक है वो बहुत ही इजीली और बहुत ही क्लीन बाहर आई है। इसे लगभग 40 मिनट लगे हैं और अब हम केक को ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त बेक हुआ है और बहुत ही मज़ेदार हुआ है। लेकिन हमसे एक गलती हो गई थी, हमने इसे थोड़े से बड़े केक टिन में बेक करने के लिए डाल दिया था तो ये थोड़ा सा मोटाई में थोड़ा सा पतला बेक हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लेयर करके कोई भी केक सजाते हैं या डेकोरेट करते हैं या आइसिंग करते हैं तो इसी तरीके के केक को आपको काटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए केक कितना स्मूथ, कितना मज़ेदार बना है और यकीन माने खाने में ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखाऊंगी और काटते वक्त आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब केक बनकर तैयार हुआ है। आप इस तरीके से बिस्किट का केक बनाकर देखिए, यकीन मानिए अब बाकी केक बनाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बनता इतना इजीली है और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार होता है बिना कोई झंझट के। तो क्यों इस तरीके के रेसिपीज ट्राई ना करें, तो नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहें। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं अब तक जल्दी जल्दी आ जाए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले